जी मेरा बेटा मेरा बिल जब बोलता नहीं है डिसेबल्ड सॉरी नहीं सन इज डिसेबल्ड एक बार आठ बच्चे हैं कितने हैं लड़के कितने लड़कियां पांच लड़के हैं तीन लड़कियां और बड़ा लड़का किसी उम्र का है वो 16 साल का है तो बोलता नहीं है बेजुबान है सुनता नहीं है इंशाल्लाह उसको भी स्कूल में दाखिल करेंगे आप बताएं किधर से अच्छा ली बात सुन सके सर स्केसर से जी भैया इधर ही रहते हैं जी बेटा बहुत हो गया ना 3 साल हो गए मैडम मेरे बच्चे बहुत उसके साथ वो ख़त्म हो गया अच्छा? एक बेटा है 18 साल का हाँ। वो इधर दफ्तर में चायशा बनाते हैं 16,000 तनख्वाह है 10,000 किराया बिल चला जाता है बकाया ये 12,000 देते हैं ना ये 6 महीने में हमारा निज़ाम चलता है ये उसका डर सर्टिफिकेट है अच्छा लाहौर में उनके लिए इस तरह के लोगों के लिए हम जो अपना नया पाकिस्तान हाउसिंग कर रहे हैं उसको हम उनके लिए कर सकते हैं जब वो हमसे अब डेटा लेंगे नए पाकिस्तान वाले जो लो कॉस्ट हाउसिंग होगी तो फिर इसी किस्म के जो हमारा प्रोग्राम है ना उसके साथ एक मिनट सुनो मैं एक प्रोग्राम है हमारा हुकूमत के साथ जी, जी, लो कॉस्ट हाउसिंग वो सबसे इस वक्त चल रहा है मेरे ख्याल में उनको इसको उसमें है क्योंकि इनका किराया है तो वही पैसा उधर चला जाएगा पैसा इनका बच जाएगा खटक साहब बहुत हमारा ख्याल रखते हैं उन्होंने मेरा कार्ड देना रील वाला बनाया था एहसास वाला जो है जी 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 आप जी पैसे नहीं मिले मुझे बेनजीर गए जब पहले तुम्हारे ये शनाख्ती कार्ड वो वाला क्योंकि प्रोग्राम बंद हो गया ना अच्छा इसलिए अब को दूसरे में शामिल किया अच्छा ठीक है अच्छा तो कितने जी कितने बच्चे 7 बच्चे माशाल्लाह 3 लड़कियां 4 लड़के कितनी उम्र के एक बड़ा 22 साल का है तो दूसरा जो है लड़की है ना 21 साल की है तो काम करते हैं और नहीं काम बेटे? नहीं है बेरोजगार है बैठे दोनों का काम नहीं है और बाकी जो छोटे हैं वो क्या पढ़ते हैं कहीं वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में लगा हुआ है तो फिर तो नहीं है ना दूसरे स्कूल में हम पढ़ सरकारी ठीक कर जो होता है ना रेहड़ी चला हमारा जो ठेला नहीं है वो जो आपकी जो रेहड़ी का प्रोग्राम है ना वो उसको और तेजी से करें। आप स्केल कर रहे हैं वो क्योंकि मैंने वो जाके देखे थे वो बड़े लोग बड़े खुश थे उससे जी उसको आप G11 में पूरी तरह डिप्लॉय करेंगे फिर 15 और साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं तो उस पर एक बेहतरीन तरीका रोजगार देने का लोगों को और वो फिर बड़ा उसका और उनको तंग भी नहीं करते उनके पास जगह भी सेट हो जाती है जगह एक किस्म की मोबाइल दुकानें बन जाती है वो जरा स्केल करें प्लीज जी जी आप बताएं कृष्ण बच्चे इनको बोल दियो पश्तो बोल दियो इनको बोल दियो पश्तो बोल दियो पश्तो बोल दियो इनको माशाल्लाह तमाम वो बच्ची जी खावन माजूर है 7 बच्चे हैं हस्बैंड डिसेबल्ड है माजूर है जे उन्हें शुगर की बीमारी ब्लड डायबिटीज अच्छा बच्चों की क्या उम्र है बच्चों को दादी के भाग रहे हैं बच्ची 100 कालो दी बच्ची ये वालक शनुकाल ने 20 शनुकाल अच्छा ना इना का इलाज है मार्क रूस सुबह वाले वन साल इस 20 दिया तो जा वेरी स्मॉल काम कर रहे हैं कोई उन्हें दादी कर दी हाँ जाओ यहाँ के का को अस्पताल के का the grandmother works in a hospital grandmother स्ताखवा के कर दी मदर इन लॉ वर्क्स इन अ हॉस्पिटल हम्म खावन दिशता हां खावन मिष्टे माजरे शुगर बीमार माजूर एवरी हाउस हैज अ जी बताएं पुश्तो जी उर्दू जो बोलो मैं अपने लास हम माजरे दिए उन सारे 3 जमीन बच्चे दिदरे में सारे लकान दी चलो अलकान दियो यो छदिन यो जिने रे माजूर अच्छा, ये अच्छा। खावन में चले खावन में दास ये वान वखी में टकई में बीमार मौसम दोनों डेरे हुआ खलम छ दिन तरह अलम दा हस्बैंड हस्बैंड इज बेटर वो गिरा तशला वो लेते हैं जोस गोरा मखा उस गोरा मा शी जस्ट सेड द हस्बैंड इज हिट हर हां फिर लास्ट में पहला माजूर दे प्यार वर कड़े इन बाबा दल वाले गच दिन प्लार में मोर शो दरे में आश्ती हुआ तले खावन मेरा सर सम जलम कई बीबी तक के नजर तासर खबर को माफा दी दिस इज ऑल द मेरा पोतरा की किन
माँ के पेट के रसोली सी तो मैंने इलाज करवाया किसी को पैसे पकड़ पकड़ के तो मेरी नूह का कोई वाल वर्स नहीं है ना माँ ना भैन ना भा कोई कली दो बच्चे है मेरा बेटा पाउडर पीता तो वो मेरी बड़ी परेशान रही तो बच्चे नहीं पढ़ते बिल्कुल मैं कुछ करनी है तो वो बच्चों को लिया के देनी है मजदूरी नहीं है कोई भी these are all our beneficiaries identified through the new survey मेरे बच्चे बच्चे छोड़ ने बच्चियां बच्चियां वड्डियां ने बच्चे दी शादी ते आ रही बस मजबूर आ माली हालात बहुत खराब ने बच्चे छोटे ने बच्चियां वड्डियां ने हां जेड़ा बीमार ने साल दे भर महीने बस उल्टी बस हो जस तरह दिमाग ना काम नहीं करदा आप सभी मैं बात करती हूं अच्छा मेरे को छह बच्चे चार बेटियां दो बेटे बेटे छोटे मैं बहुत मजबूर हूं मेरा घर नहीं एक एक कमरा है किचन बाथरूम के ऊपर छत भी दी बिल्कुल उसके ऊपर छत दी बारिश होती है सवाल मेरे रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत की तश्कील जिसमें दो असूलों के तहत काम किया जाता है मुस्तहकफात की कफालत और कानून का यकसा नफाज इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास सेविंग वॉलेट के आगाज़ की तकरीब से खिताब के बाद मुस्तहक खातीन से गुफ्तगू कर रहे थे। मुआवन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर उनके साथ थी। इन खातीन के मसाइल सुनने के बाद उनके हल के हवाले कामयाब हो रहे हैं जो बड़ी देर प्लानिंग दो साल तो प्लानिंग में लगी थी तो अब वो ज़मीन पर वो इम्प्लीमेंटेशन पर प्रोग्राम आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ये जो आज हमने लॉन्च किया है ये फाइनेंशियल बचत अकाउंट इंशाल्लाह इसका भी ये भी कामयाब होगा। मैं क्वीन मैक्सिमा का नॉर्वेजियन एम्बेसडर उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ख़ास पाकिस्तान आई और उन्होंने इस चीज़ में हमारी मदद भी की और इसको प्रमोट भी किया तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता जब तक वो अपनी वो तबका जो पीछे रह गया है जो कमज़ोर तबका है जब तक वो उनको नज़रअंदाज करता रहता है वो ऊपर नहीं आ सकता। कभी भी कोई मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और समुंदर हो गरीब लोगों का वो कभी भी मुल्क अजीम मुल्क नहीं बन सकता। और हमारा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में साबित करके दिखाया था कि पहली दफ़ा दुनिया में एक रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमज़ोर तबके की एक फलाई रियासत बनाई थी और वो दुनिया इस चीज़ की शाहिद है विटनेस है कि इतनी तेज़ी से कभी कोई कौम दुनिया की तारीख में ऊपर नहीं आई और वो कौम ने फिर दुनिया की इमामत की कई सदियों के लिए और उसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो मदीना की रियासत में रखी गई थी एक फलाही रियासत बनाई थी जिसमें एहसास था जिसमें रहम था कंपैशन था जिसने हर बेवाओं मज़ूरों को यतीमों को गरीबों को उसने अपना बनाया था और तब और वो हमारे लिए हमेशा हम कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो उनकी ज़िंदगी से सीखो तो वो हमारे लिए हमेशा के लिए मिसाल है कि कोई भी कौम उस मॉडल पे जब चलती है वो कौम ऊपर आ जाती है चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। और जो दूसरी साथ साथ उसके कानून की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी कानून के सामने सब एक बराबर ये दो प्रिंसिपल्स रखे गए थे उस रियासत में और आज अगर आप दुनिया में देखें तो जो कौम ऊपर गई है वो उन दो प्रिंसिपल्स पे ऊपर गई है। चाइना भी अगर आज एक दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई एक नेशन है एक कौम है जो कि लग रहा है कि सबको पीछे छोड़ जाएगी तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी गुर्बत कम करने की 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला था 30 सालों के अंदर 35 सालों में तो जब गुर्बत कम हुई वो कौम भी ऊपर चली गई। तो हमारा भी बिल्कुल वही मॉडल है कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस मुल्क में हम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएं और उससे रेलेवेंट है ये जो आज मोबाइल वॉलेट और ये जो हमने
एहसास बचत अकाउंट ख्वातीन के लिए किया है। इसका मकसद ही ये है कि हमारे जो ख्वातीन हैं और वो कई दफ़ा पीछे रह जाती हैं, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, उनकी मदद की जाए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो मैं फिर से आपको सारे मुबारक देता हूँ इस नए इनिशिएटिव के लिए। शुक्रिया।